चुप करना भाभी। तो जी वर्ष यहाँ पर जो है ना ईद के मौके पे मीठा खाया जाता है, और यहाँ पर ये वो चाट खा रहे चनों की, और ये आए थे पड़ोस से चाट और साथ में खीर। मैंने बनाया था शीर खोरमा, वो हमारा अभी तक थोड़ा रेडी नहीं हुआ, वो रेडी हो जाएगा तो वो भी हम जो है ना पड़ोस में भी देंगे और घर पे भी खाएंगे। सही बने चाट खा ना, वैसे इसके पेट में दर्द है ये नहीं खाएगा। पहले भी आया था, सबको ईद मुबारक हो, नहीं इसको भी बोलो ना यूट्यूब वालों को, आपको भी ईद मुबारक हो, सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। जी वर्स यहाँ पर मेरी बन रही थी मजेदार सी बिरयानी, और बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है और प्लेट मैंने जो है रख दी है। अब हम इसे निकालते हैं, और भूख भी काफ़ी लगी है क्योंकि सुबह से काम में बिजी थी, तो बस अभी खाना निकालते हैं और खाना हम खाते हैं। तो जी वर्स माहम जो है ना आज मेहंदी लगा कर आई है हाथों पर, पड़ोस से, पड़ोस की लड़की जो है ना मेहंदी लगाती थी, तो इसने कहा कि मैं भी वहाँ से लगाऊंगी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ही डिज़ाइन बना है, और यहाँ पर बंच लगा है साथ में, यहाँ पर एक पट्टी डाली, तो क्योंकि कल ईद है और माहम को जो है ना अभी से ही तैयारी का बहुत शौक है, तो ये कह रही थी आस्ता आस्ता जो है ना मैं अपनी तैयारी करूँगी, पहले मेहंदी लगाऊंगा। इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है मेहंदी का, ये सिर्फ इसने आधे घंटे के लिए लगाया था, वापस धो लिया था, तो इसका रंग देखिए कितना तेज़ है, और ये भी जो है ना मैं इसे अभी धोने नहीं दूंगी, सही शाम में धोना ताकि इसका कलर जो है ना अच्छे से आ जाए। यहाँ पर जो है ना माहम स्ट्रेट करवा रही है बाल, अभी ये जो है ना तैयार होगी, और अब जो है ना साढ़े कितना टाइम हो रहा है 7:30, और जो है मेरे हस्बैंड वगैरह वो जो है ना तैयार होने चले गए नहाने, और मैं जो ये कपड़े जो है ना उनके मिस्त्री करकर बच्चों के रख रही हूँ, तो इस दर्जी ने दिया था लेकिन फिर भी थोड़ी सी इस्त्री करनी है, हल्की हल्की इस्त्री लगाती हूँ जब तक भाई आदमी जो है ना मर्द सब रेडी हो जाए, और बाहर का भी सारा फर्श वगैरह धोना है, झाड़ू मैंने सारी दे दी थी, अभी सारा धोना है। सज्जाद जो है ना यहाँ पर बैठ के अपनी चप्पलें साफ कर रहा है, और यहाँ से जो अभी मैं फर्श भी धोंगी, पहले जो मर्द है ना सब चले जाए नमाज पर, फिर आराम से जो है ना घर का काम निपटाते। तो जी व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना मैंने इस्त्री कर दिए थे, मेरे हस्बैंड और एक बेटा चला गया था, और सज्जाद ने जो है ना बहुत ही लेट कर दी, अब ये तैयार हो रहा है और जल्दी जल्दी जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। बाहर जो है ना जमात जो है वो सब जमा हो गई है मस्जिद में, और माँ मुस्कान क्या कर रही है देखते हैं। सामान जो है ना बर्तन वर्तन सब इसी तरह रखे हुए, और रात को जो ये अफतारी के लिए काटे थे कचरा ये भी सारा जमा, अब इसे थैली में डालकर हम बकरी पर को देंगे बाहर। और यहाँ पर जो है ना हमारी बन रहा है दूध गर्म हो रहा है, बनेगी सीर खोरमा, तो खोपड़ा वगैरह काटा है नहीं। व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट वगैरह सारी साफ कर दी, और यहाँ पे सारे बेडशीट की जो चादर वगैरह थी चेंज कर दिए, कवर चढ़ा दिए, जो मेले कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल के फेंक दिए, ये सारे मेले कपड़े जो है ना मशीन में जाएंगे, और यहाँ पर सारे मैंने कवर चढ़ा दिए इसके साथ, अभी सेट करके झाड़ू वगैरह देंगे जब तक मेरे हस्बैंड वगैरह भी सब आ जाएंगे, हस्बैंड और बच्चे जो है ना नमाज पढ़ने गए वो भी आ जाएंगे। तो जी व्यूअर्स ये लोग आ चुके हैं नमाज पढ़कर, ईद मुबारक, खैर मुबारक, और ये लोग अभी आए, अभी जो है ना सेवैयाँ भी हमारी रेडी है, सेवैयाँ इसके अबू अभी आ जाए तो फिर हम सेवैयाँ निकाल के प्लेट में लेकर आते और इनको देंगे। बैठो बैठो, फैन खोल रही हूँ, बैठो, पढ़कर आए नमाज, 9 बजे जो है ना हमारे यहाँ पे ईद की नमाज भी हो गई है, और ये भी आ गए घर के सरबरा। अब माहम अभी तक रेडी नहीं हुई, अभी ये रेडी होगी। तो यहाँ पर बनाई बिरयानी और मजेदार सी, निकाल रहे हैं खाना हम, जिस जिसको खाना है मेरे साथ आके खाओ, है माहम जी। और आज ईद का दिन था, और फर्स्ट ईद ही, पहले दिन ईद के तो बिरयानी ही अच्छी लगती है ना। चलो।